मान्या राज 12वीं कक्षा की छात्र हैं और उन्होंने रेशम के धागे से जेवर बनाने का बिजनेस शुरू किया है। हाल ही में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अहमदाबाद में हुए राष्ट्रीय उद्यमिता दिवस के दौरान उन्हें सर्वश्रेष्ठ उत्पाद का अवार्ड मिला। मेरी मम्मा बचपन से ही मेरे लिए स्वेटर बनाया करती थी और उन स्वेटर पे वो रेशम के धागों से डिजाइन्स करती थी। ये रेशम के धागे मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद आते थे। फिर कुछ सालों पहले मेरी बहन ने सिल्क थ्रेड ज्वेलरी का स्मॉल बिजनेस शुरू किया था, जो बहुत कम समय तक ही चला था। फिर जब कुछ सालों बाद मुझे अपने प्रोजेक्ट के थ्रू ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं सिल्क थ्रेड ज्वेलरी को वापस से बिजनेस फॉर्म में ला सकूं, तो मैंने ये अपॉर्चुनिटी जाने नहीं दी। बच्चों में एंटरप्रेन्योरशिप की जागरूकता और इच्छा पैदा करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके तीन प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला कारण है गरीबी और बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना। हमारे देश में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या बहुत है, तो हम बच्चों को क्लास में बताते हैं कि वो किस तरह से अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, किस तरह से वो इनोवेटिव प्रोडक्ट बना सकते हैं। दूसरा समस्या मैं ये समझती हूँ कि आजकल के बच्चे लीक से हटकर सोचते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, वो रचनात्मक है, तो उनको जब भी समस्या दो कोई भी क्लास में, तो दे कम आउट विथ देयर डिफरेंट इनोवेटिव आइडियाज़। वो रचनात्मक कार्यों और अपने नव विचार से बाहर आते हैं और हमें अचंभित करते हैं। तीसरा जो कारण मैं समझती हूँ कि बच्चों को समाज के प्रति जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। सोशल एंटरप्रेन्योर्स आजकल आगे बढ़ रहे हैं, अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं देश के विकास के लिए, तो हमारे बच्चे भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैंने इसलिए ट्रेन करने के लिए बच्चों को एक न्यूज़पेपर दिया था और ये बोला था कि आपको कुछ गरीबों के लिए बनाना है, तो बच्चों ने बहुत तरीके तरीके की चीज़ें बनाई थी और मुझे अचंभित किया था। शोज ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द मैनेजमेंट ऑफ आर स्कूल फॉर देयर कॉन्स्टेंट सपोर्ट। आज उन्हीं के सपोर्ट की वजह से हमारे टीचर्स हमेशा मोटिवेटेड होते हैं और अपने बच्चों को उनके अंदर छुपे हुए एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को डेवलप करने में लगे हुए हैं और उनके दिखाए मार्गदर्शन की वजह से ही हमारे बच्चे अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट जो इनोवेशन के प्रति है उनको सामने लेकर आए हैं और विभिन्न प्रतियोगिताओं में उन्होंने विजय हासिल की है। छात्रों की प्रतिभा को बढ़ावा देने की कोशिशों की बेहतरीन मिसाल बना रहा है अहमदाबाद का श्री नारायण सेंट्रल स्कूल। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।